मुझे कितनी अच्छी फिटिंग आई है। बोलू अपने लिए ले रहा मैं टी शर्ट के ऊपर पहन रहा हूँ। साइज मीडियम लार्ज गोलू इसी पे कोई बात नहीं गोलू कोई बात नहीं गोलू अच्छा लग रहा है भाई वाओ और एक दो राउंड ऐसे भी शादियों पर ध्यान रखना कपड़े पहनने भाग जाता है अच्छा लग रहा है एक महीने बाद अब पतले ही ना होंगे वो हाफ पैंट चल रही है कैजुअल लग रही इस पे वो अच्छी लगी डेनिम क्या दिक्कत है भाई बैठने भी नहीं आ रहा कोई नहीं मस्त लग रही है अच्छी लग रही देख रहे हो गुलू इसमें बजट जा रहा था ऊपर हम नहीं जा रहा छोड़ पूरा चालीस तो मैं नाप नाप देता हूँ ना ऐसी पैंट से क्या अब क्या बोलोगे बहुत सूट कर रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है छोटा है ये बच्चों वाला दिवाली धमाका भैया हाँ गोवा के लिए ये वाला ये अच्छा लग रहा अरे यार मत करो गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग सो कल आपने देखा हम सब गए थे शॉपिंग के लिए एक्चुअली हमको भी कुर्ता लेना था कि मतलब पहनना था घर में छोटी तो पूजा होगी घर में जाने के लिए तो उसके लिए भी लेना था कुर्ता भैया ने भी ले लिया और गोलू भी था तो गोलू की सब ने मस्ती देखी बड़ा मजा आया तो कल रात में हम लोग तो आ गए थे घर फिर भैया लोग और भैया और गोलू चले गए मूवी देखने ब्रह्मास हम देख चुके थे तो मैंने मन नहीं था कि दोबारा फिर से जाए देखने के लिए तो वो लोग गए और आज है डांडिया नाइट ये तो सोसाइटी में आज से प्रोग्राम स्टार्ट है तो आज होगा डांडिया नाइट और अभी जिम से जस्ट मैं आ रही हूँ जाने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था आज मैंने बनाया है बीटरूट पराठा और आलू सॉरी पनीर मटर की सब्जी तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ डांडिया नाइट के लिए देखते हैं कि कैसा जाता है आज का दिन आज है पंचमी और यहाँ पर सोसाइटी में ही बंगालियों का एक बहुत अच्छा कम्युनिटी है बहुत बड़ा कम्युनिटी है जिनका फेस्टिवल आज से स्टार्ट होता है तो हमारे सोसाइटी में दो तीन जगह पंडाल लगेंगे और फिर से ये दिल्ली की गर्मी स्टार्ट हो गई है हाय राम दो दिन से कितनी गर्मी पड़ रही है कि मत पूछो आप और हाँ कल मैं इसलिए भी नहीं गई थी मूवी देखने क्योंकि मुझे अपना बर्थडे ब्लॉग एडिट करना था तो अगर आप लोगों ने बर्थडे ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिए वो लाइव जा चुका है तो ये है मेरे डांडिया की तैयारी बट अभी शाम हो रहा है टाइमिंग दिया गया है 7 बजे से तो डांडिया के लिए भी ऑल आर सेट बस मम्मी अभी बना रही है दुपट्टा मुझे ड्रेप करना है हम जाने वाले हैं डांडिया के लिए बस जाके नीचे पोपट ना हो जाए मेरा पता चला तैयार होके तो जा रही हूँ और निकले कुछ ना तो क्या होगा मम्मी देखो फिर ऐसे ही मेला घूम के आऊंगी और क्या मैं गाना मेला में सही लाओ सबकी तो अभी भैया को नीचे भेजे है कि जाके देख के आइए वहां पर स्टार्ट हुआ है या नहीं वैसे तो 7 बजे का टाइम था 7:30 हो चुका है तो भैया जैसे ही अपडेट देंगे तो हम मैं मम्मी और कनु हम लोग नीचे जाएंगे फ्री हो गए फ्री होने की खुशी बट मैं तो अभी खुश हूँ आपको फ्री देखकर चलो
हो गया हमारा डांडिया भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन जम के कर लिया। और अब जा रहे हैं पेट पूजा करने। यहाँ पर एक्चुअली फूड स्टॉल्स लगे हैं, वहां जाते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है, कैसा था खाना। खाना सही है, ओके ओके है, मतलब कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, प्राइस सही है। बोलती रहेगी थोड़ा सा डांटिया लेकर डांटिया ले लो कर लिया। थैंक यू। स्टॉल्स जो लगा है, अच्छा अभी पंडाल बन रहा है और यहाँ पर ही दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित होगी। तीन का जी 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 बाउली बाउली एक मम्मी निकाल लेंगे। इतना मत टटोलो, उप्स निकल आएगा तो प्रोटीन। अपने किस्मत को आजमाते हुए अलग कलर में तो नहीं लिखा है, किस्मत खराब हो तो किसी भी कलर में आ सकता है, अच्छा हो तो किसी भी में। मैगी चलो देखो, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा। फ्रूटी, चलो मैगी फ्रूटी आपका हो गया स्नैक्स। अरे इसमें इडली है भाई, इडली। मेरे इस वीडियो का गोलू ही है सोशो स्टॉपर। बहुत सब इडली है। एक बार दोबारा फिर से नाम ले देता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार तालियां बजा दिया करें इनका जश्न बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, इतने दिन से मेहनत करी है। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, एक बार मधुमिता जी, कुमार जी, सुनैना मिश्रा जी, सूर्यकांत गौर, रेणु गौर, दीपिका। मैं कह रही हूँ नेहा बहुत अच्छा गरबा कर रही है। देखो वो कहेंगी एक बहू है तो बोलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं मुझे 6 महीने हुए हैं आए हुए, लेकिन मम्मी तो फैक्ट वाली बात कर रही है। कितना जल रहे हैं। तो ये था हमारा डांडिया नाइट का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमें तो बहुत मजा आया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, इतने भी एंजॉय किया, इसने भी एंजॉय किया, बट ये थोड़ा सा उदास हो गई क्योंकि इसको ये पता चल गया कि इसके कॉलेज में गरबा हो रहा है और ये आज ही शाम को आई है। कोई बात नहीं, कर लूँ, कल का प्लान पूछ लेना, फिर देखते हैं आगे का। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।